सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। शिक्षा निष्प्राण वस्तुओं से भी मिल सकती है। जहाँ सम्मान ना हो वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। जो अपमान करे उसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। जिसको मिला है समुन्दर की गहराइयों से मिला है। लाजवाब मोती किसी को किनारे पर नहीं मिलती। आज का पंचांग 18 जनवरी 2021, दिन सोमवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 9:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 7:43 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:34 से 9:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगी। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मीन राशि 18 जनवरी 2021, दिन सोमवार, आज साहस दिखाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपका भाग्य आपके साथ है। आज अब जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है। सच्चा प्यार मिलने की उम्मीद बन रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहें, खांसी और ठंड से परेशान हो सकती हैं। बहुत अधिक व्यवस्था के बावजूद आप अपने परिवार व संबंधियों के लिए समय निकालेंगी तथा खुशनुमा समय व्यतीत होगा। आपकी कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा। पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में ठहराव आएगा। आज आपका अधिकतर वक्त परिवार के लोग और व्यक्तिगत रिलेशनशिप को ठीक करने में ही आप व्यतीत करेंगी, जिसकी वजह से आपको मानसिक समाधान तो प्राप्त होगा, लेकिन किन रिश्तों पर कितना निर्भर रहना है और कितना ध्यान देना है इस बात को समझने की आवश्यकता होगी। काम से संबंधित बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। मित्र द्वारा मिल रहे प्रपोजल को सोच समझकर ही हाँ बोलें। घुटनों से संबंधित तकलीफ को दूर करने की कोशिश करनी होगी। सावधानियां, आज किसी भी प्रकार की यात्रा करने से परहेज करें। कुछ विरोधी आपके लिए विपरीत परिस्थितियां बना सकते हैं, इसलिए किसी पर भी अधिक विश्वास ना करें तथा चौकन्ना रहें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपको अपने सभी विकल्पों में से सर्वोत्तम ढूंढने में उलझन महसूस होगी, परंतु अच्छे फैसले ले पाना कभी आपकी सहज योग्यता नहीं रही, लेकिन आप आपकी बार यह कर पाएंगे। यही विकल्प चुनने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपने दिल की बात सुननी है। इसका सबसे अच्छा तरीका है उसे चुनना जिसका दिल बड़ा है, और यह पता लगाना कि जो सिर्फ इसका दिखावा करते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी, परंतु गैर संबंधों से दूर रहें। बात करते हैं करियर की। आज अप्रत्याशित गतिविधियां घर पर रहकर ही सुचारू रूप से क्रियान्वित होती जाएगी। फोन और संपर्कों के माध्यम से सब व्यवस्था हो जाएगी। शेयर आदि में निवेश करने का उचित समय है, परंतु पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य लें। कुछ मामूली समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि अपने कार्यस्थल पर शांति से कार्य करने में बाधा आ सकती है। आज आपको धैर्य की एक बड़ी मात्रा की जरूरत है, खासकर जब आप अपने सहकर्मी के साथ कार्य करें। क्रोध को दूर रखें, बल्कि उसके साथ समझदारी से निपटें, ताकि आपके पूरे समूह के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। बात करते हैं सेहत की। पिछले दिनों में तनाव के साथ साथ चिंता के
कारण होने वाला मानसिक तनाव आपके लिए काफी तकलीफ का कारण बना हुआ है। इस समय आपकी बाहरी स्थितियों के बदलने की तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, तभी आप अपने मानसिक तनाव में काफी कमी पाएंगी। यह कमी आपकी अपनी विचारधारा और अपनी जॉब तथा संबंधों में समस्याएं सुलझाने के तरीकों को बदलने से आई है। इससे आपको शांति और उपलब्धि की भावना महसूस करने में काफी मदद मिलेगी। आज का उपाय, आज आप गरीबों को दूध और चावल का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।